चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो ये था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसे की भारतीय नागरिकता क्या होता है? भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला 21 अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई, तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगला है धन विधेयक पर राज्यसभा की मिति उनके कार्यकाल के दौरान भी। माफ करिए, यहाँ एक गलत छपा हुआ है। धन विधेयक पर राज्यसभा के पास अधिकार है, केवल सिफारिश का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? तो याद रखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की। अगला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। तो याद रखिए, राज्यपाल। अगला है, जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटा दिए गए, तो अब जम्मू कश्मीर में कोई विशेष प्रावधान नहीं रह गए। अब जो कानून पूरे भारत में लागू होते हैं वही यहाँ भी। राज्य के निम्न उच्च सदन को क्या कहे जाते हैं? तो याद रखिए, क्रमशः विधानसभा, विधान परिषद। अगला है, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। अगला है, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। अगला है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। अगला है, उस मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। तो याद रखिए, पी के चन्मुखम चेट्टी। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधानिक सलाहकार थे? तो बीएन राव। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया गया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है, काल के दौरान किस प्रकार की स्वधानिता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिए, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। अगला है, किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला, यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संविधानिक अधिकार है। अगला है, भारतीय सभा में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस शर्त में हुआ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 0, एक, कोई भी नहीं, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 18 भाषाओं को। याद रखिए, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दिए जोड़ा गया है, ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाया गया? अनुच्छेद 243।
343। अगला है, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? 3 बार। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368। अगला है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। अगला है, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। अगला है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती मामले में 1973 में। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? भारत, इंडिया। अगला है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पंजाब। अगला है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की। याद रखिए, प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। अगला है, संविधानिक संशोधन किस हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। अगला है, संसद में सभी प्रकार के संविधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं। अगला है, कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? यही है, ऊपर वाला छप गया। ठीक, याद रखिए, धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होती है, बाकी किसी में नहीं। ठीक, अगला है, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो वीवी गिरी। अगला है, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? नहीं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को कितने वेतन दिया जाता है? तो ये भारत की संचित निधि से। अगला है, संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य। अगला है, संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात की गई? प्रस्तावना में। अगला है, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई? अभी तक एक बार भी नहीं। वित्तीय संकट का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। अगला है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर। अगला है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? संसद, विधानसभा या विधानसभा। अगला है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? कोई नहीं। याद रखिए, लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको यहाँ बता दें कि 2019 की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर थे वीरेंद्र कुमार खट्टी और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं करंट में। अगला है, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ?
तो 1969 में जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। अगला है 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। अगला है, यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। अगला है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। अगला है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, कितने राज्यों में दुई सदनात्मक विधानसभा है? तो उनके नाम है, याद रखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। याद रखिए पहले 7 में था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को 300 धारा अनुच्छेद 370 और 35 से हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश है दोनों, ठीक है। तो अब कितने में? 6 में, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। याद रखिए यहाँ तेलंगाना भी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन से 1978 में।